लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसा है मेरा रवि? मेरा रवि, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आवाज क्यों नहीं खोलता, बात क्यों नहीं करता? कोई हरकत नहीं है उसके शरीर में। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ रवि को? बड़ी बेरहमी से मारा है मेरे रवि को किसने? उस कसाई बापजी ने। बापजी ने? कल रात 4 लठैत भेजे थे घर, उन्होंने रवि को घसीट कर बाहर निकाला। और नहीं, 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 नहीं। तोड़ दिया मेरे बेटे का हाथ जैसे मिट्टी का कोई खिलौना हो। एक माँ का श्राप है उस बापजी को। आज मैं जैसे अपने बेटे की जान की भीख मांग रही हूँ सबसे, उसे भी अपनी बेटी की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माँ जी। मीनू, कितनी तेज चला रही है गाड़ी, जल्दी गाड़ी घुमा, उसको जाके रोको। मीनू बेटे गाड़ी रोको। नहीं बाबूजी, नहीं, हरगिज नहीं। मीनू बेटे, गाड़ी रोकने कोई तरीका है? क्यों, एक आदमी को मिलके चार चार लोग मारे, ये कोई तरीका है? मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मीनू बेटे मेरी बात सुनो। मीनू मैं आराम बहुत तेज चला। मीनू मेरी बात सुनो बेटे, अपनी बेटी की तो बहुत चिंता है ना आपको? ये नहीं सोचा कि रवि भी किसी का बेटा है, उसकी भी किसी को चिंता हो सकती है? मीनू बेटे मेरी बात तो सुनो, गाड़ी धीरे करो। मीनू बेटे मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, गाड़ी रोको। नहीं बाबूजी, रवि की माँ का श्राप लग गया है आपको। बेटे मेरी बात सुनो, आप अर्जुनी की तरह अपनी बेटी की भीख मांग रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि अपने औलाद के मरने का गम क्या होता है। Thank you.
जी खुश हो गया? क्या हासिल हुआ ये सब करके? क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं आप ही की बेटी हूं, ना इंसाफी तो मैं भी नहीं होने दूंगी। गुनाह मैंने और रवि दोनों ने किया था, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए थी ना। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, मगर याद रखिएगा, आज के बाद जो रवि पर बीतेगी वही मुझ पर गुजरेगी। की जगह रवि का, तेरे बेटे का खून तेरे घर की नाली में बहरा होता। चाहता तो भरे बाजार में तेरी बेटी को नंगा नचवाता। चाहता तो तुम तीनों की लाशें सारे शहर की गलियों में कुत्ते नोचते झंझोड़ते घसीटते फिरते और कोई उफ तक नहीं करता। मगर मेरी बेटी ने मेरे हाथ बांध दिए, हाथ बांध दिए मेरे, इसलिए आना पड़ा, मुझे आना पड़ा यहां इस गलाजत में। रवि को माफ कर दीजिए, मैं उसको समझा दूंगी। तू उसे क्या समझाएगी? तू उसे काट कर फेंक देगी तो भी कोई फायदा नहीं, मैं उसे काट कर फेंक दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। सवाल तेरे बेटे की जिंदगी का नहीं, मेरी बेटी की जिद का है। अगर तेरा बेटा मर गया तो मेरी बेटी भी अपनी जान दे देगी। जब तक रवि इस शहर में रहेगा, मीनू उससे मिलने की जिद करती रहेगी। तो हम करीब क्या करें बाप जी? उसे लेकर ये शहर छोड़कर चली जा। कहाँ चले जाए बाप जी? जहन्नुम में। कल से इस घर में चिराग नहीं दिखाई देना चाहिए। और खबरदार, तुम लोग कहाँ गए किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग इस अंधेरे में ऐसे गुम हो जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। रहम कीजिए बाप जी, रहम, हम पर जुल्म ना कीजिए, हमें शहर से बाहर मत निकालिए। ये रहे कुछ रुपए और चंद घंटों की मोहलत, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रहे, आज की रात इस शहर में तुम लोगों की आखिरी रात है। बाप जी ने कहा कि शहर छोड़कर चले जाओ, तो तुमने सारी रात जाकर सामान भी बांध लिया। एक पल के लिए ये तो सोचो, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे ये घर ये शहर छोड़कर? क्यों, रहने के लिए कि यही शहर बच गया है क्या पूरी दुनिया में? रहने के लिए तो बहुत सारे शहर मिल जाएंगे माँ, लेकिन रोजी रोटी का क्या होगा? कितनी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर दर दर की ठोकरें खाकर मुझे ये नौकरी मिली है। नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, चल तू सामान बांध। और रवि, उसका क्या? उसके बारे में तुमने नहीं सोचा माँ? उसे अब तक होश नहीं आया है और पता नहीं कितने दिन अस्पताल में और रहेगा। ये बाबूजी का बसाया हुआ घर है माँ, इसमें बाबूजी की यादें बसी हैं। हम ये माँ, हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। सक्सेना साहब,
वो अनिता रस्तोई काम पर आई है, जरा पता कीजिए। आई है बापजी? वो तो काम पर आई है। पनिया लाओ। मैं इस्तीफा दे दूं? मतलब ये कि मैं मान लूं कि मैंने गुनाह किया है? ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। मैं अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। फिर तो इसी वक्त मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना होगा, और एक बार चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाले जाने के बाद तुम्हारी जो बदनामी होगी उससे शहर में तो क्या पूरे देश में तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जानती हो? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो मजबूरन मुझे अपनी कंपनी के आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा, और ऐसा करने से सिर्फ तुम मुझे रोक सकती हो। यहां से ले जाइए अभी इसी वक्त। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ मां? रवि को ठीक से अभी तक होश भी नहीं आया, और ये कह रहे हैं इसे यहां से ले जाओ। क्या बात है डॉक्टर? वही जो हम कह रहे हैं, ले जाओ इसे, उठाओ। मगर क्यों? अब तक डॉक्टर पटेल ने जो इलाज बताया वो पूरा नहीं हुआ, इसके जख्म ठीक से नहीं बढ़े हैं, और आप कहते हैं कि ये ठीक है? डॉक्टर तुम हो यहां, ये कोई धर्मशाला नहीं कि मर्जी आए तब तक पड़े रहो भिखारियों की तरह। क्या आपका पेशा नहीं, आपका गुरूर आपकी अंधी ताकत बोल रही है। शर्म, शर्म आनी चाहिए आपको किसी घटिया आदमी की बातों में आकर इस तरह अपने मरीज की जिंदगी के साथ खेलते हुए। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, तुम इसे यहाँ से ले जाती हो या नहीं? जब तक डॉक्टर पटेल नहीं आते मैं इसे यहाँ से हर किस नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, नामदेव गजानन, उठाओ इसे और फेंक दो इसे हॉस्पिटल के बाहर। हाथ में लगा, ऐसा मत करो।